अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की टॉप 10 सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनकी प्लांट कैपेसिटी और सीमेंट ग्रेड के बारे में। तो आइए देखते हैं। नंबर 10 पे बारी आती है अस्करी सीमेंट लिमिटेड की, जो कि फौजी ग्रुप का यूनिट है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 25,50,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड है। ISO एक अदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो सर्टिफाई करता है कि यह सीमेंट इंटरनेशनली भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाई ग्रेड 53 का सीमेंट है। नंबर 9 पे बारी आती है कोहार्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 25,50,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड है। इसी तरह ये अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड के साथ साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड ग्रेड 53 का सीमेंट है। नंबर एट पे बारी आती है दीवान सीमेंट लिमिटेड की। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 27,60,000 मेट्रिक टन पर एनम है। इसके दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट KPK और दूसरा सिंध में है। ये ISO सर्टिफाइड है। इसी तरह ये इंडियन स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 53 का सीमेंट है। नंबर सेवन पे बारी आती है अटक सीमेंट पाकिस्तान की। इसका यूनिट बलोचिस्तान में है और इसका ब्रांड नेम फाल्कन सीमेंट है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 28,52,857 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड होने के साथ साथ यूरोपियन स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 43 का सीमेंट है। नंबर 6 पे बारी आती है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। इसका यूनिट फतेहजंग पंजाब में है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 32,70,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड होने के साथ साथ अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड, साउथ अफ्रीकन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। इसी तरह ये इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेड 43 और पाकिस्तान स्टैंडर्ड ग्रेड 53 का सीमेंट है। नंबर 5 पे बारी आती है चराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। इसका यूनिट नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा में है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 43,20,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 53 का सीमेंट है। नंबर 4 पे बारी आती है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड की। इसका यूनिट दादूखेल पंजाब में है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 54,00,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड होने के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 43 और 53 का सीमेंट है। नंबर 3 पे बारी आती है डीजी खान सीमेंट लिमिटेड की। इसके तीन यूनिट्स हैं, एक यूनिट डीजी खान पंजाब, दूसरा चकवाल पंजाब और तीसरा हब बलूचिस्तान में है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 67,80,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड होने के साथ साथ अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 43 और 53 का सीमेंट है। नंबर दो पे बारी आती है लक्की सीमेंट लिमिटेड की। इसके दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट पैजू KPK और दूसरा कराची सिंध में है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 85,72,381 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड होने के साथ साथ अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 43 और 53 का सीमेंट है। नंबर एक पे बारी आती है बेस्टवे सीमेंट लिमिटेड की। इसके चार यूनिट्स हैं। हाल ही में बेस्टवे ने पाक सीम, जो कि लफार्ज ग्रुप का हिस्सा था, उसको एक्वायर किया है। इसका एक यूनिट हतार KPK, दूसरा फारूकिया KPK, तीसरा चकवाल पंजाब और चौथा कलड़ कहार पंजाब में है। इसकी प्लांट कैपेसिटी क्लिंकर प्रोडक्शन 98,33,571 मेट्रिक टन पर एनम है। ये ISO सर्टिफाइड होने के साथ साथ अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड और पाकिस्तान स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ग्रेड 43 और 53 का सीमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।